आदिम जाति कल्याण मंत्री ओमकार मरकाम का एक बार फिर दर्द छलक उठा। दरअसल मीडिया ने सरकार में उनकी उपेक्षा और सिस्टम की उदासीनता को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने कहा कि जीवन एक संघर्ष है जो सतत तौर पर चलता रहता है। मंत्री मरकाम ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने पी चिदम्बरम और डी शिव कुमार के उदाहरण देकर कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है, बदले की भावना से विपक्ष का दमन किया जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ में अमित जोगी पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति नहीं है, अमित जोगी मामले में जांच पहले से चल रही है। मरकाम ने भगवा को लेकर दिए दिग्विजय सिंह के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भूपेश बघेल जी के आने के बाद अगर उसकी जांच स्टैंड हुई हो तो वो ये बात कहें तो उसमें कोई आदमी विचार करे। वो तो बहुत पहले से जो प्रकरण जांच में था, जिस प्रकरण में इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उसमें अगर कोई समय पे उस पर निर्णय होता है तो ये कहना गलत है कि तत्काल समय पे जो आदमी है उसकी कोई द्वेषता है, ऐसा नहीं है।